था जब शीला दीक्षित सरकार थी, फिर मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार मैंने झाड़ू को वोट दिया था कि देखो सब जो बेईमान कह रहे हो कि सारे बेईमान है, सारे बेईमान है, बीजेपी बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, तुमने कहा, लेकिन तुम तो उनसे बड़े चोर निकले, तुम तो उनके ही बाप निकले, तुमने अपनी बेटी बेटा कसम खाई थी रामलीला मैदान में, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा ना बीजेपी करूंगा, तुमने कांग्रेस सपोर्ट लिया, तुमने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एसी नहीं लूंगा, तुमने सब कुछ लिया, तुम तो उनके ही बड़े चोर निकले केजरीवाल, तुम महा चोर हो। बीजेपी सरकार बनाए या केजरीवाल सरकार बनाए, ये बताओ कि मैं 1952 से यहाँ रह रहा हूँ, मेरा वोट ही काट दिया। अच्छा जी, हाँ जी, वोट काट रहा है, मेरा वोट काट रखा है, मेरे बेटे का वोट काट रखा है, सबका वोट काट रखा है, मेरा मकान अपना है, तीन तीन मकान है, 11 फ्लैट है मेरे, और मेरा वोट नहीं है। जो बिजली का है, बिजली का बहुत बढ़िया अच्छा काम करा हुआ है इन्होंने, पानी की भी सुविधा बहुत बढ़िया करके, बाकी जैसे बसें फ्री कर रहे हैं, ये चीज काम कर रहे हैं, तो उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में, और इस वक्त हम मौजूद है एमबी रोड में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कानपुर की रेड लाइट है। और पिछले जब 2013 और 15 इलेक्शन की बात करें, तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि केजरीवाल सरकार को सपोर्ट के लिए ऑटो वाले कहीं ना कहीं हाथ बटाए थे, आपको ध्यान होगा। मगर आज की डेट में बात करें, मैंने एक ऑटो वाले को ऐसे देखा है जहाँ पर बीजेपी का एक बड़ा झंडा लेके चल रहे थे, तो मैंने उनको काफी देर से फॉलो किया था, और अभी उनको मैंने अभी रोका है, और रोकते हुए मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है, और जानते हैं उनको, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा पीछे चले और दिखाना चाहेंगे उनके ऑटो की जो कंडीशन है, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये भी आप ये देख सकते हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा झंडा, पीछे से कवर करें आप, बीजेपी का ये झंडा आप ये देख सकते हैं। ऑटो वाले से बात करेंगे, सर आप जरा आगे आए, ये जो चलो तिवारी कैमरा को सेटिंग करके देखो, तो ये जो ऑटो चालक है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कनौजिया। दीपक जी, मैंने पहले इंट्रो में भी यही बात कही थी, 13 और 15 के इलेक्शन में ऑटो वाले कहीं ना कहीं केजरीवाल को सपोर्ट किए थे, आपको ध्यान होगा, मगर आज की डेट में देखा जाए तो ऑटो वाले साथ में नहीं है, और होंगे भी तो बहुत कम होंगे, आई लव केजरीवाल करके एक लिखावट भी है, मगर सेम दूसरी तरफ देखी जाए आपकी ऑटो की स्थिति कुछ और है, आप किस लिए समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को? आपको मैं एक मोटी बात बताता हूँ, अगर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैं किस समर्थन कर रहा हूँ। इस दिल्ली के अंदर एक लाइसेंस बनाने के लिए कमर्शियल और टीएसएल चलाने के लिए लोगों ने 50,000 रुपए दलालों को दिया है। कितने? 50,000 रुपए। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, देख लीजिए प्रत्यक्ष को प्रमाण, और गडकरी साहब ने सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, ये ऑल ओवर द इंडिया। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, शायद लगेगा आपके दर्शकों। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑटो वाले अनपढ़ होते हैं, ऑटो वाले भी पढ़े लिखे होते हैं, कैब ड्राइवर भी पढ़े लिखे होते हैं, हमने तो ऐसे लोग देखे हैं कि जो कि ग्रेजुएशन और एमए एलएलबी आईआईटी से भी निकले हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑल ओवर द इंडिया। ये कानून है कि प्राइवेट लाइसेंस को कमर्शियल कर दिया गया, जिसको एंटी कटा के आप बैच बनवाए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इसके लिए, तो ये साइलेंट वोटर है बीजेपी के, जो दिल्ली में दिखाएगा कि गवर्नमेंट किसके बने। आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता नहीं, मैं करके भी दिखाऊंगा और मैं करवा भी रहा हूँ लोगों से। अच्छा, तो यानी बीजेपी के समर्थक हैं और समर्थन करवा भी रहे? करवा भी रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ ओवरऑल देखी जाए, पांच वर्ष खत्म हो गया, केजरीवाल सरकार भी खत्म हो गई, अब नई सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, तो क्या लगता है कि 5 वर्ष में दिल्ली भर में कामकाज को मद्देनजर अगर बात की जाए तो कैसा रहा कामकाज केजरीवाल का? देखो भाई, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना और लोगों को बताना, आपको एक मुहावरा देता हूँ, एक बताता हूँ, एक मैंने जो सीन देखा था, जिस दिन इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, पोल्यूशन के लिए क्या लगाया था इन्होंने, पोल्यूशन टावर, नहीं नहीं नहीं, ऑड इवन, जिस दिन ऑड इवन लगाया, मैं आईटीओ टावर पे अपनी गाड़ी लेके आईटीओ के पास ब्रिज के पास नीचे से निकल रहा था, इन्होंने उसी दिन पोस्टर लगा दिया कि 25% पॉल्यूशन दिल्ली में लैस, तो मैं बड़ी तेज की चिल्लाया, मैंने बड़ा झूठा मुख्यमंत्री है भाई, आज तो तूने ऑड इवन का पहला दिन है और आज ही तूने ये 25% पॉल्यूशन का कम का लगा दिया। अच्छा, पहले कह रहे थे कि बिजली और नहीं, मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रहा है, तो क्या आप सहमत है सही में मोदी सरकार काम नहीं करने? अगर मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही हो तो इन्होंने जो 4.5 साल बैठने के बाद और 6 महीने में जो काम इन्होंने करना स्टार्ट करें, आओ मैं आपको अपनी कॉलोनी में दिखाता हूँ, विधायक ने इतना पैसा खर्च कर रहा है कि जहाँ गेट की जरूरत नहीं है वो गेट लगा रहा है। क्या नाम है सर आप? देवेंद्र जायसवाल।
देवेंद्र जी 5 वर्ष हो गया केजरीवाल सरकार के काम काज, रहते कहाँ पर हैं आप? यही दुग्गल कॉलोनी खानपुर, दुग्गल कॉलोनी खानपुर में तालुकात रखते हैं, रहते भी है। काम काज कितना वादे देते हैं? कौन है आपके? अजय दत्त जी हमारे। कैसे रहे कुछ काम नहीं, जीरो जीरो। कैमरे लगे हुए हैं, दिखते नहीं हो। कैमरे लगे हुए हैं लेकिन जिसके घरों में लगे हुए हैं उन्होंने बिजली कनेक्शन नहीं लगाया है, वो सारे कैमरे बिना चालू कैसे लगे हैं नाम के लिए? कुछ बच्चे तोड़ गए, कुछ बंदर तोड़ देंगे, 4 दिनों बाद सब टूट जाएंगे। किसी में कनेक्शन नहीं लगा लाइट का, सब ऐसे लग गए बस चालू के नाम पे। व्यवस्था परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। पानी का बिल जीरो, नाम पे जीरो। मेरा बिल आया 2243 रुपए का बिल, चंदा मैं दिखा रहा हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं पानी का बिल जीरो, हकीकत ये है जिसको पानी की चोरी पकड़नी हो अपने हर 1 तारीख को मीटर की फोटो खींच ले, 6 महीने बाद वो मीटर रीडर की चोरी पकड़ लेगा। होता क्या है, 1 महीने का बिल जीरो, अगले महीने का फिर बिल, फिर एक और बार जीरो, फिर 1 महीने का बिल, ऐसे करके ये घोटाला केजरीवाल जी पानी के बिल में कर रहे हैं। मैं अपना के नंबर दे सकता हूँ और बिल है मेरे पास 2243 रुपए का, मैं दिखा रहा हूँ 2264 रुपए का बिल दिखा रहा हूँ। दिखाते रहिए, मैं इनसे ये दिखा रहे हैं भाई साहब, अभी दिखा रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे ये जो हमारे क्षेत्र खासकर, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 2264 का बिल है। अब ये नोटिस भी आ गया है बिल जमा करने के लिए, और मियां बीवी और एक बच्चा है, हमसे 3 आदमी है, मियां बीवी और एक बच्चा। बच्चा मेरा जो है 6 साल का है और पति पत्नी है बस। ये बिल हमारा है और एक फ्लैट है, वो 50 गज का फ्लैट है मेरा। तो ये आप ये देख सकते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे तो कैसा, और क्या कुछ बोलना चाहेंगे अभी इलेक्शन में आप किसको देंगे वोट, क्या क्या लगता है आप? देखिए इस बार का जो इलेक्शन है वो व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके राष्ट्रवाद को होगा इलेक्शन, और निश्चित तौर पे मोदी जी को जिताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा आप भी समझते हैं भाई? देश पहले, देश पहले, देश पहले, देश पहले। और भी मैं कैमरामैन से उधर देश पहले, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ, इनसे भी बात करें। क्या नाम है सर? संजीव कुमार। संजीव जी विगत 5 वर्ष में, 5 वर्ष खत्म हो गया है, सरकार खत्म हो गई है, नई सरकार बनेगी, क्या बोलना? मैं सर उतना नहीं जानता, ठीक है, बस देश पहले है मेरे लिए। तो इस बार वोटिंग कैसे करेंगे? दिल्ली में रहते हैं, देश नहीं, देश को तो है, अब ऐसे बोलने पर नहीं होगा ना, सरकार बदलनी पड़ेगी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे। जी जी जी, मैं पहले कांग्रेस को देता था जब शीलाजी सरकार थी, फिर मैंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार मैंने झाड़ू को वोट दिया था। देखो सब जो बेईमान कह रहे हो कि सारे बेईमान है, सारे बेईमान है, बीजेपी बेईमान है, कांग्रेस बेईमान है, तुमने कहा, लेकिन तुम तो उनसे बड़े चोर निकले, तुम तो उनके ही बाप निकले। तुमने अपनी बेटी बेटा कसम खाई थी रामलीला मैदान में, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा ना बीजेपी करूंगा, तुमने कांग्रेस सपोर्ट लिया। तुमने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एसी नहीं लूंगा, तुमने सब कुछ लिया। तुम तो उनके ही बड़े चोर निकले केजरीवाल, तुम महा चोर हो जी। आप बताएं, मैं आपको एक छोड़ा ही नहीं, नहीं छोड़ा, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, शायद उससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं था, 370 राम मंदिर, जिसको आंख ही नहीं आने दी। ट्रिपल तलाक भी था, लेकिन मेरे लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कि मैं भी जाके कश्मीर में रह सकूं और मकान ले सकूं। आप खुश हैं? आप? मैं खुश हूं, बहुत खुश। सर से भी जानेंगे, सर क्या नाम है आपका? देश बंधु आर्या। देश बंधु जी 5 वर्ष खत्म हो गए केजरीवाल सरकार का जो काम काज है, आप बुजुर्ग हैं, यही रहते हैं सर? जी हम दिल्ली में रहते हैं। तो कैसा रहा कामकाज, व्यवस्था परिवर्तन, और 4.5 वर्ष कहते थे कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो क्या ये सहमत है आप? नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? मोदी सरकार ने काम करने क्यों नहीं दिया? केजरीवाल साहब कहते हैं ना, पब्लिक तो नहीं कह रही, हाँ पब्लिक तो नहीं कह रही ना, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। मोदी जी क्या पूरे देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चाइना को नीचे बिठा दिया, पाकिस्तान को नीचे बिठा दिया, और क्या चाहिए हिंदुस्तान को? जी जी। और सर अगर बात की जाए, वोटिंग की बात करें, तो राष्ट्रवाद को लेके, मोदी जी के चेहरे को लेके, इस बार क्या बीजेपी सरकार बना सकती है दिल्ली में? बीजेपी सरकार बनाए या केजरीवाल सरकार बनाए, ये बताओ कि मैं 1952 से यहाँ रह रहा हूँ, मेरा वोट ही काट दिया। अच्छा जी, हाँ जी, वोट काट रखा? मेरा वोट काट रखा है, मेरे बेटे का वोट काट रखा है, सबका वोट काट रखा है। मेरा मकान अपना है, 3 मकान है, 11 फ्लैट है मेरे,
और मेरा वोट नहीं है। तो आप आवेदन क्यों नहीं किया दिसंबर से? कई बार कर दिया, नहीं हो रहा। वो कुछ दस्तावेज में गड़बड़ी हुई होगी तो? कोई गड़बड़ी नहीं, वाइफ का भी कट जाएगा, मेरा भी कट जाएगा, तीनों बेटे का भी कट जाएगा, सबका कट जाएगा। क्या निजी दुश्मनी है केजरीवाल? क्या बता, मुझे क्या बता। नहीं, इस बार कटा है कि पहले कटा? इस बार ही कटा है। तो फिर किसका हाथ है इसमें लगता है? तीनों का ही हाथ है। तीनों का ही हाथ है। चलिए, कितने सालों से सर आप वोट डाल रहे हैं? मैं 1952 में पैदा हुआ था सर। हाँ सुन तो लो ना, 1952 में पैदा हुआ था। सत्तर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मिस करा होगा तो शायद? नहीं, बिल्कुल। चले कोई नहीं, जल बोर्ड हुआ, जल विहार में गया, वहाँ पे कहते जी आपका तो नाम कट चुका है, सब जगह नाम कट हो जाएगा। बहरहाल, और मेरा इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, वाइफ का आधार कार्ड बना हुआ है, इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, बच्चों का इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है। सर, मैं इसी बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। इसी का नाम एनआरसी है, इसी का नाम एनआरसी है कि अगर आपकी एनआरसी होगी तो वोट की जरूरत नहीं है आपके पास, आपका आधार होगा, आप वोट डालोगे। इसी का नाम एनआरसी है। आने वाले दिनों में आप, आने वाले दिनों में, चलिए वो मुद्दा नहीं, मुद्दा कुछ और करते हैं। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं ड्यूटी पेटर हूँ। क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, विगत 4.5 साल 5 साल हो गया, सरकार खत्म हो गई, नई सरकार बनेगी, क्या रिझान है, किस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली में? दिल्ली में देखो जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा महिला सुरक्षित नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा, नहीं केजरीवाल तो कह रहे थे कि महिला सुरक्षा, नहीं 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 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। केजरीवाल साहब ने ये जो बिजली का है, बिजली का बहुत बढ़िया अच्छा काम करा हुआ है इन्होंने, पानी की भी सुविधा बहुत बढ़िया करके, बाकी जैसे बसें फ्री कर रहे हैं, ये चीज काम कर रहे हैं, तो उनका कोई लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। जनता को खुद बनाने वाली बात है भाई साहब, वोटिंग चाहिए, उस तरीके से काम करे जा रहे हैं, ये दिक्कत कोई नहीं। जी, 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिए सर। केजरीवाल जी ने पिछले 5 साल तक लगातार कहते रहे, कोई भी काम कर रहे थे बोले जी ये मोदी जी ने रोक दिया, एलजी साहब ने रोक दिया। अब पिछले 3 महीनों में एलजी और मोदी गायब हो गए, अब उनकी कोई फाइल नहीं रुक रही है। ये जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, कुछ नहीं किया है। ये 3 महीने का लॉलीपॉप है, इलेक्शन खत्म होते ही केजरीवाल जी से भी खत्म कर देंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है? दिल्ली की जनता जानती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये जो बिल का बिल डबल है 100% ये 31 मार्च, सिर्फ 31 मार्च। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अम्बेडकर नगर विधानसभा खानपुर रेड लाइट पर हमने एक छोटी सी डिबेट रखी थी और ग्राउंड पर जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इस संदर्भ में और भी लोग जुड़े, उन्होंने भी बात कुछ साझा की, तो इससे पता चलता है कि आम तरीके से जो रुझान है दिल्ली में, ये आप ये देख सकते हैं, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। इसी प्रकार से जमीनी हकीकत आने वाले दिनों में हम आपको अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। चुनाव आपका जो है, आप जागरूक रहिए और अपना मतदान जो है बहुत मूल्यवान है, उसको देख के समझ कर आप वोटिंग जरूर कीजिएगा। ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत एक वोट भी मुझे इजाजत दी है। जनता जनार्दन के साथ मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।